बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ ने उपखंड अधिकारी के नाम दिया ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ ने जिलाध्यक्ष राम भरोस बैरवा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी झालावाड़ को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जिसमें आने वाली 26 जनवरी 2023 को अंबेडकर दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी के झालावाड़ जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान लिखा था, इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राम भरोस बैरवा, जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी, पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामस्वरूप बैरवा, सूफी हाफिज जाकिर हुसैन, सीताराम बैरवा, ताराचंद रैगर, धनराज, सुमित कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीपीए न्यूज के लिए हमारे संवाददाता किशोर तंवर की विशेष रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ यूनिट ने आज ज्ञापन दिया है, वो काहे के लिए दिया है? 26 जनवरी भीमराव अंबेडकर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए पूरे देश के अंदर, इसके लिए हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। क्योंकि सन 46 में जो लोग चले गए, 48 में जिन लोगों का कोई रोल नहीं रहा, आज भी मौजूदा सरकारें और पूर्व की सरकारें उन्हीं के गुणगान गाती रही, और जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत नए भारत की रचना की, उसको सारे लोग भूले हुए हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इस समाज के लोग भी कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग भी कर रहे हैं, और अन्य समाज और संगठन और सरकारें सारी कान में तेल डाल के बैठी हुई है, जबकि असली भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देश के संविधान को बनाने में थी, जिसने इतना बड़ा कानून और सब कुछ इस समाज को दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने जो 100% लोगों की लड़ाई लड़ी और 100% लोगों को सम्मान देने का काम किया, उन बाबा साहब को वर्तमान की और पूर्व की सरकारें सारे भूली हुई है। हमें जवाब दे सरकारें कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर को अभी तक गुमनामी की जिंदगी में क्यों रखा, आज तक जिसको मानते, जबकि गांधी जी का इसमें कोई रोल नहीं था, नेहरू का कोई रोल नहीं था, इंदिरा जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन जब भी 26 जनवरी मनाई जाती है वह हमेशा इंदिरा जी का गुणगान होता है, जवाहरलाल नेहरू का गुणगान होता है, महात्मा गांधी का गुणगान होता है, लेकिन जिसने भारत की भूमिका रची और इस भारत को एक नया संविधान और विधान दिया, उस व्यक्ति को सारे के सारे लोग भूले हुए हैं और सारे जिम्मेदार हैं। इस देश की सरकारें, इस देश के जो भी मूल निवासी हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जितने भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं, सब नालायक हैं। मेरी मांग है कि इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए और बाबा साहब की जय जयकार हो, उनकी जीवनी पे रोशनी हो, उनकी सारी यादगारों को बनाया जाए, उनका चित्र गणतंत्र दिवस के दिन बजाय गांधी नेहरू की बजाय बाबा साहब अंबेडकर का दिन होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी जो है ये उनकी देन है। 26 जनवरी का मतलब क्या है? 26 जनवरी का एक ही मतलब है कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें 100% लोगों को हक अधिकार मान सम्मान का दिया था, वो सब इन्हें चौपट करके और वहीं गांधी जी और नेहरू जी और इंदिरा जी की फोटो लगाकर जय जयकार करते हैं। ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे महापुरुष को भूली हुई है जिसमें पहला व्यक्ति था भारत का पढ़ा लिखा।